पहले तो सोच रहा था भाजपा सरकार कि एनआरसी के दायरे में सिर्फ मुसलमान भी होगा, सिर्फ मुसलमान ही होगा, लेकिन जब एनआरसी लगाया तो आसाम में 12,54,000 लगभग हिंदू भाई एनआरसी के दायरे में आ गया, 6 लाख या 7 लाख मुसलमान भाई आए। मैं हिंदू भाई का खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मुसलमान भाई का खिलाफ हूँ। मेरा मतलब है कि एनआरसी जब ने आपने लगाया, किस कारण लगाया? इसलिए कि मुसलमान को बाहर किया जाए। जब आप एनआरसी आसाम में लगाए, वहाँ जब फेल हो रहे हैं, तो अब आप नागरिकता बिल ला रहे हैं। नागरिकता बिल का मतलब क्या है? स्पष्ट है कि मुसलमान को छोड़ के जितना भी जाति है, हिंदू सिख ईसाई जितना भी है, सबको आप वहाँ में ये क्या मेहमान बनाएंगे, और जो मुसलमान होगा उसको देश से बाहर करेंगे। यही भाजपा का मकसद है और यही अमित शाह का मकसद है, यही सरकार का मकसद है। हम इसका पुरजोर तरीके से सिर्फ विरोध नहीं करते हैं, बल्कि हम सारे मुसलमान भाई को आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग एकजुटता दिखाइए और एकजुट होकर के हम सब आवाज उठाइए। हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आप विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन विपक्ष में जो सांसद हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, उनसे आप क्या गुजारिश करेंगे, क्या कहेंगे उनको? देखिए, हमारा जो कांग्रेस का सरकार ये विपक्ष में है, कांग्रेस ने पुरजोर तरीका से विरोध किया है। हमारा संख्या नहीं है, हमारा अगर संख्या होता तो इस बिल को हम पारित होने नहीं देते कांग्रेसी। और हम चाहेंगे कि अब हमारे पास एक ही जन आंदोलन, अब हम जन आंदोलन करने का आग्रह करेंगे हमारे मुसलमान भाइयों से, क्योंकि इस बिल में एक बिरादरी सिर्फ मुसलमान ही टारगेट किया जा रहा है। इस बिल के हम खिलाफ हैं, इस बिल को के लिए हमको जितना भी लड़ाई करना पड़ेगा, हम आम जनों के साथ सड़क पर करना पड़ेगा, सड़क पर उतरेंगे और इस लड़ाई में जो भी योगदान लगेगा, यहाँ तक के मैं MLA सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारा सब मुसलमान भाई जितना जनप्रतिनिधि है वो लोग अगर ये त्याग देने के लिए तैयार होगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि अधिकार ही नहीं है हमारा मुसलमान का, तो हम हिंदुस्तान का नेतृत्व क्या अधिकार है।